अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, दिस इज़ द लेक्चर नंबर थ्री एंड सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर यूनिट नंबर वन, द नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एंड आर फर्स्ट टॉपिक इज नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स। द पेज नंबर टू ऑफ योर बुक, द नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स। यू हैव नो अबाउट द 6 डिजिट नंबर्स इन क्लास थ्री। क्लास थ्री में आपने 6 डिजिट नंबर्स तक जो है ये नंबर्स किए हैं, लेकिन अब 4 में आप कह रहे हैं जो पहला टॉपिक है नंबर्स अप टू 9 डिजिट। हम स्टेप वाइज जो है वो 9 डिजिट नंबर तक आएंगे अपने 6 डिजिट नंबर। क्लास थ्री में आप 6 डिजिट नंबर तक कर चुके हैं। सिक्स डिजिट नंबर जो कि आपका 100,000 नंबर्स है, जिसको हम 100,000 नंबर कहते हैं। अगर हम 100,000 नंबर लिखें, 675,000 621 नंबर जो कि मैंने 100,000 जो 6 डिजिट नंबर है वो लिखा है। अगर मैं इसको अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को पुट करूं तो यूनिट में 1, टेंस में 2 एंड 600 में, 1000 में 5 आ रहा है, 10,000 में 7 है और 100,000 में 6 है। 607 हम अपने 6 डिजिट नंबर को अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में जब पुट करते हैं तो ये 675,621 आपका 675,621 नंबर जो है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, जबकि हमारे पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट में ये नंबर जो है 6 डिजिट नंबर है वो 1 लाख के बराबर है। यहाँ पर हम इसको 1 लाख और इसकी कॉमास जो है वो 1,675,621 के बराबर लेके आ रहे हैं। अब अगर हम इसमें 7 डिजिट्स करते हैं, यानी अपने 100,000 में जो है वो एक डिजिट और बढ़ाते हैं, तो हमारे पास अगर मैं इस 7th डिजिट इसमें ऐड करती हूँ, 3 इसमें मैंने ऐड किया और मेरे पास आप 7 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे पास 7 डिजिट नंबर आ गया है, जो कि अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करती हूँ तो मेरा नेक्स्ट जो प्लेस वैल्यू चार्ट बन रहा है वो आ रहा है मिलियन। तो ये मेरा 7 डिजिट नंबर जो है, 7 डिजिट नंबर जो है वो आ रहा है मिलियन का। यूनिट टेंस 100,000, 10,000, 100,000 और 100,000 आगे एक प्लेस वैल्यू चार्ट बढ़ाने से हमारे पास जो 7 डिजिट नंबर बन रहा है वो है मिलियन। वो हमारा मिलियन जो है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक है, और जब हम इसको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक लिखते हैं तो ये 10 लाख के बराबर आ जाता है। जो हमारा 7 डिजिट नंबर है वो 1 मिलियन और 10 लाख के बराबर है और इसके डिजिट्स हमारे पास है 7। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं और एक जो है वो मैं नंबर जो है वो और बढ़ाती हूँ और इसको 8 डिजिट नंबर करती हूँ, 8 डिजिट नंबर करती हूँ और ये मेरे पास 3, 6, 6, 7, 4, 5,621। तो इसको अगर हम ये जो मैंने एक और डिजिट ऐड किया है इसको अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करें तो इसका कॉलम बन रहा है 10 मिलियन। यानी जो हमारा 8 डिजिट नंबर है वो 10 मिलियन के बराबर है और इसको हम रीडिस्टा से करेंगे 10, 63 मिलियन, 63 मिलियन, 675,621। यानी 63, अब जो हमारा 10 मिलियन है 60 मिलियन के बराबर आ रहा है, 63,675,621। और ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक 10 मिलियन है, जबकि ये पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक 8 डिजिट नंबर जो है वो 10 मिलियन
इंटरनेशनल प्रेस वाले चार्ट के मुताबिक बन रहा है, क्योंकि हमारा जो 8th डिजिट है वो हमारे 10 मिलियन कॉलम में आ रहा है। पाकिस्तानी प्लेस वाले चार्ट के मुताबिक ये 8 डिजिट नंबर जो है वो 1 करोड़ के मुताबिक है। यहाँ हम इंटरनेशनल प्रेस वाले चार्ट के मुताबिक इसको 63,675,621 करेंगे, जबकि पाकिस्तानी प्लेस वाले चार्ट में ये 6,36,75,621। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में 8 डिजिट नंबर के बाद हमारा 9 डिजिट नंबर आ रहा है। हम एक जो है डिजिट इसमें और बढ़ाएंगे, तो ये 9, अगर मैं इसमें बढ़ाती हूँ 963 मिलियन, तो ये हमारे 100 कॉलम में, 100 मिलियन कॉलम में ऐड होगा। अगर हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको पुट करते हैं तो ये 9 जो है वो 100 मिलियन कॉलम में आ रहा है। तो हमारा 9 जो डिजिट नंबर का जो प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट हो रहा है, और ये एंड्स हो रहा है 100 मिलियंस में, 100 मिलियंस, जिसको कि हम इस तरह से रीड आउट करेंगे 963,675,621। अब हमारा जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो इस तरह से होगा, तीन जो है वो पार्ट उसमें जो है वो डिवाइड हो रहा है, जिसमें कि पहला पार्ट 3 कॉलम्स पर वंस, और इसके बाद ये थाउजेंड्स, और ये जो है हमारा मिलियंस। पहला हमारा जो है वो हंड्रेड्स या वंस का कॉलम है, उसके बाद हमारा 3 कॉलम को लेके थाउजेंड्स का कॉलम है, और अगला हमारा नेक्स्ट जो है प्लेस वैल्यू चार्ट का वो कॉलम जो 3 कॉलम्स का एक कॉलम है, जिसको हम मिलियंस का कॉलम कहते हैं। हमारा 7 डिजिट नंबर मिलियन है, 8 डिजिट नंबर 10 मिलियन, और 9 डिजिट नंबर जो है वो 100 मिलियन के जो है वो इक्वल है, 100 मिलियन, जिसको कि हम 10 करोड़ कहेंगे। हमारा पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक जो है वो 10 करोड़ के मुताबिक आएगा, तो ये आएगा 96,36,75,621। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 2 पर देखें तो हमारे पास 963,475,621 है। इस एग्जांपल में 9 जो है वो 900 मिलियन, 6 जो है वो 60 मिलियन, 3 जो है वो 3 मिलियन, 4 जो है वो 400,000, 7 जो है वो 70,000, 5 जो है वो 5,000, और 6 जो है वो 600, 2 जो है वो 20, और 1 जो है वो वंस के कॉलम में आ रहा है। और इस इनकी जो फेस प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक जो इनकी वैल्यू है, इस प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक 9 की जो है वो 100 मिलियन है, 6 की जो है वो 10 मिलियन है, 3 की मिलियन है, 4 की 100,000, 7 की 10,000, 5 की 1,000, 6 की 100, 10 की 2 की 10s है, और 1 की 1s है। ये इसकी हमारे पास आ गया है 963,475,621 है, जो ये हमारा 9 डिजिट नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसको हम 100 मिलियन जो है के मुताबिक जो है उसको रीड करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम जो है वो अगला स्टेप करेंगे।